हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये है एलईडी फॉग लैंप्स जो हमने अमेजोन से मंगवाया है। ऑलमोस्ट 350 रुपये के मिले हैं पैर, और इसको हम लगाएंगे हमारी होंडा सिटी में। पहले हम यहीं पे लगाने वाले थे फॉग लैंप, ये वाले, लेकिन हमने ये लोकेशन सिलेक्ट किया है। और पहले हम पुराने फॉग लैंप को रिमूव करेंगे। हमने जो लोकेशन सिलेक्ट किया है फॉग लैंप के लिए, यहाँ पे, उसके लिए बम्पर खोलना पड़ेगा। और पूरा नहीं खोलेंगे, लेकिन सिर्फ फ्रंट ग्रिल खोलेंगे। और यहाँ पे जो 4 10 mm वाले बोल्ट हैं वो सब खोलेंगे, ताकि आगे का हम एक्सेस कर सके। होल हम ऊपर करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ताकि इन फ्यूचर हम फॉग लैंप को निकाल दे तो भी उसका होल दिखे ना। पहले यहाँ था, ये देसी लग रहा था। और यहाँ पे ये लोकेशन पे करेंगे। फ्रंट ग्रिल हमने खोल दी है, और अंदर से होल करेंगे यहाँ से। एक फॉग लैंप लगा दिया है हमने, अभी फाइनल एडजस्टमेंट तो रात को ही करेंगे। और यहाँ पे इसका माउंट लगा दिया है, और अब हम ये बोल्ट से ये लगाएंगे, और उसके बाद वायरिंग करेंगे। अभी हम टी ब्रेक लेंगे, और चाय पीने के बाद हमारा दिमाग थोड़ा खिलेगा, उसके बाद बाकी का काम करेंगे। अभी हम इसका वायरिंग करेंगे, और इसका जो ओरिजिनल फॉग लैंप के वायरिंग होते हैं वो ख़राब है, तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये वाले फॉग लैंप टेम्पररी, जो पायलट लैंप होती है, यहाँ पे जो लैंप होती है उसके वायरिंग के साथ पैरेलल में लगाए हैं, तो हम अभी उसी वायर के साथ लगा देंगे। और फिर फॉग लैंप की स्विच जब रिपेयर करेंगे उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। फाइनली हमारे फॉग लैंप रेडी हो चुके हैं, और इसका हमने टेम्पररी कनेक्शन किया है इस लाइट के साथ, जो कि पहले से था। एक्चुअली इसकी फॉग लैंप की जो स्विच होती है उसको रिपेयर करना है, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा।